आज हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 8th का जो एचपी बोर्ड ने अभी डिलीट किए हैं कुछ टॉपिक्स, तो वो हैं रैशनल नंबर। देखो चैप्टर नंबर 1 है आपका और रैशनल नंबर नाम है चैप्टर का। तो इसमें से क्या है कि एक्सरसाइज जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 को जो है वो डिलीट कर दिया है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 को डिलीट कर दिया। चैप्टर नंबर 2 की बात करें, चैप्टर नंबर 2 आपका है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस की हम बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन में आपका क्या किया है, इन्होंने एक्सरसाइज 2.5 को और 2.6 को डिलीट कर दिया है। ठीक है, 2.5 और 2.6 को इन्होंने डिलीट कर दिया। चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं, तो चैप्टर नंबर 3 में ये आपका क्या है, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड, मैं ठीक है क्वाड लिख रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि आपकी जो एक्सरसाइज है 3.3 उसको इन्होंने डिलीट कर दिया। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 को डिलीट कर दिया। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में क्या किया इन्होंने कि आपकी जो एक्सरसाइज है, सॉरी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, नो चेंज, इसमें कोई भी एक्सरसाइज आपकी डिलीट नहीं की गई है। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर नंबर आपका 5। चैप्टर नंबर 5 है आपका प्रोबेबिलिटी, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या किया है, एक्सरसाइज कर दी है आपकी 5.3 डिलीट। ठीक है, 5.3 को डिलीट कर दिया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 आपका क्या है, चैप्टर नंबर 6 में है स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट। ठीक है, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स। सॉरी यार, ये जो 5th नंबर चैप्टर है इसका नाम आपका है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग, तो डाटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 5.3 डिलीट है और 6th चैप्टर में नो चेंज, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। 7th नंबर चैप्टर क्या है, 7th चैप्टर की बात करें तो 7th चैप्टर हमारा है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स में भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये भी आपको पूरा करना पड़ेगा। 8th नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 आपका है जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्या किया गया है, जो आपका एक्सरसाइज 8.2 है, ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 इसको इन्होंने डिलीट कर दिया, इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया फिलहाल जो अभी का सिलेबस है। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में से आपका क्या है, चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, तो इसमें क्या किया इन्होंने, एक्सरसाइज 9.5 को डिलीट कर दिया। एक्सरसाइज 9.5 को इन्होंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर नंबर जो हमारा 10 है, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 का नाम है विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स, तो इसमें क्या किया इन्होंने, कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, नो चेंज, यानी कि ये भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11, 11 नंबर चैप्टर है आपका मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन में क्या किया है, मेंस्ट्रुएशन में आपका एक्सरसाइज 11.4 को डिलीट कर दिया है। ठीक है, 11.4 को डिलीट कर दिया इन्होंने। अब देखो चैप्टर नंबर जो आपका है 12, 12 नंबर चैप्टर है आपका
एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर में आपकी जो एक्सरसाइज है कौन सी, एक्सरसाइज आपकी 12.2, ठीक है, 12.2 को डिलीट कर दिया है। चैप्टर नंबर अब देखते हैं हम 13। तो 13 में क्या किया गया है, 13 नंबर चैप्टर आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें क्या है आपका, कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। 14 नंबर चैप्टर में क्या है, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में क्या है, 14 नंबर चैप्टर में आपकी जो एक्सरसाइज है, देखो 14.3 और एक्सरसाइज 14.4, ये आपकी डिलीट हो गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने 50 नंबर चैप्टर की। तो 50 नंबर चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। अब इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में क्या है, यहाँ पर आपके पास कोई चेंज नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इजी चैप्टर है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अब है हमारा चैप्टर नंबर 16, टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें क्या है, सॉरी यार, इसका चैप्टर का नाम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, प्लेइंग विद नंबर्स है, प्लेइंग विद नंबर्स, ठीक है। तो प्लेइंग विद नंबर्स में क्या है, एक्सरसाइज 16.2 को डिलीट कर दिया है, ठीक है, काफ़ी इजी चैप्टर है, कोई हार्ड नहीं है, 16.2 को डिलीट कर दिया। तो ये था हमारा कुछ जो एचपी बोर्ड ने अभी रिसेंट क्या किया है, डिलीट किया है, ठीक है, कुछ चैप्टर्स एक्सरसाइज ही डिलीट किए, चैप्टर तो नहीं बोल सकते हम, एक्सरसाइज ही डिलीट किए। चैप्टर नंबर 1 से एक्सरसाइज 1.2, चैप्टर 2 से 2.5 एंड 2.6, चैप्टर 3 से 3.3, 4 से कोई चेंज नहीं किया इन्होंने, 5 से आपका डाटा हैंडलिंग से उड़ा दिया है 5.3 को, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट यानी कि 6 चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, 7 चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं किया गया है, 8 चैप्टर में 8.2 को ख़त्म कर दिया है, 9 चैप्टर में 9.5 को ख़त्म कर दिया है। अब देखो जो 10 चैप्टर की बात की हमने, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, 11 चैप्टर में एक्सरसाइज 11.4 को डिलीट किया है, चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.2 को डिलीट किया है, 13 में आपके पास क्या है, नो चेंज, 14 में आपके पास क्या है, 14.3 और 14.4 को डिलीट कर दिया गया है। 15 नंबर चैप्टर में क्या, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ यानी कि नो चेंज है इसमें, और 16 नंबर चैप्टर में 16.2 को डिलीट कर दिया है। अगर आपको किसी को भी अगर पूरा सिलेबस पढ़ना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं उसको, उसके लिए पूरे का पूरा सिलेबस बना के हम उनको वीडियोस प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, अगर जिसको पूरा का पूरा पढ़ना, और जिसको इसी यही चीज़ पढ़नी है वो भी बता सकते हैं, ठीक है, कि हमें सिर्फ यही चाहिए, तो उसकी वीडियोस हम आपको थोड़े कुछ टाइम में अपलोड करके दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। देखो इससे क्या है, ये जो वीडियो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपको फ़ायदा है, ठीक है, तो उनको भी कुछ हेल्प हो जाएगी, उनको पता लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर है, कौन सी एक्सरसाइज जो डिलीट की गई है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।